रोटी कपड़ा ते मकान इन्हां तीन चीजां तो बिना कोई किस तरह जीवन बतीत कर सकदा है। ए देखण नूं मिलिया जिला गुरदासपुर दे बटाला विच, जिथे की 60-70 साल दीआं दो भैणां पिछले 30-35 सालां तों मुश्किलां भरी जिंदगी बतीत कर रहीआं हन। इन्हां कोल ना तां कोई पानी दी सुविधा है अते ना ही रहण दी। दोनों भैणां खुले आसमान दे तले रहण नूं मजबूर हन। उत्थे ही माता ने तरसीआं अक्खां नाल दस्सिआ कि उन्हां दे अगे पिछे कोई भी नहीं है। मेहनत करके गुजारा कर लेंदे सी, लेकिन हुण शरीर साथ नहीं दिंदा ते हुण ओह बहुत ही मुश्किल भरिया जीवन बतीत कर रहे हन। आओ तुसी भी देखो किन्नी गुरबत भरी जिंदगी गुजारन लई मजबूर हन ए दो बेसहारा बुजुर्ग भैणां। वेखो जी मेरा दो धरावे, मेरा धिया पुत कोई नहीं, मैनू रब आस रही। मैं पहला मेरी भैन करती रही है, खाते रहे हैं, हूँ नहीं वह भी करने जोगी, मैं भी नहीं करने जोगी। किला मंडियों आटा मिलता है 10 किलो, होर भी भैन भरा दे जाते जिदा रब तरसी करदा। हाली दो तरे नू मैं कद्या चुक के कलाया वे ते ओ लावेदा ते फेर ही मेरे वल वेखेदा। तुसीं आप सियाने हो, साल च की कुछ कर सकते। मेरा अपना बच्चा कोई नहीं जी, चौंकी दें बुआ दाती। बच्चे ओदी इक्को गुड्डी है ते ओ दो तरे, दो दो तरे ने, तीन गुड्डियां ने, ओ भी शराबी खराबी है ते ओ भी इस तरह बेचारी किसी की मेहनत करती है तो अपना झटक ज्यादा लंघाती। थां ते चलो देखो दो मरले है वे जरा वा अखा कि बेसा लेंदे च, और जे उन्होंने घर चोई होंगी तो इतने मेरे को आती। जिमें कि तुम देखिया चैनल वाले ने इतना जड़िया लेडीज़ रह रही ने, दो बजुर्ग लेडीज़ रह रही ने, असं भी लंघते वरते रोज़ वेखते हैं उन्होंने किन्ने सालों तो ये बेचारियाँ यही ढाले जे च रह रही ने, ढे जे च, तो यी लोगों ने रल मिल के इन्हों पा के दिता हुआ वा। बेचारी इन बजुर्ग ने इन्हों का कोई आसरा नहीं है, कोई धी पुत कोई जे है भी ने इन्हों तो वह भी इन्होंने सामभते नहीं है, तो ये बेचारियों का खाण पीन का भी कोई साधन नहीं है, इन्हों को बिजली का पानी का कोई साधन नहीं है। किन्नी किन्नी दूर जाके बेचारियाँ इन्नी बुजुर्ग अवस्था से पानी भर के लिया ने, ते बाकी लोग जोड़े आस पास दे तरस करके इन्हों रोटी पानी का इन्हों दे जाते हैं बेचारियों, तो इदा ही बेचारियाँ रह रही ने। तो मैं चाहनी हाँ कि असं सारे यही चाहवे गली महल वाले भी कि कोई भी समाज सेवी संस्था वा या प्रशासन वो इन्हों की अगे आके मदद कर, इन्हों रहन वास्ते अच्छी साफ सुथरी जगह इन्हों बना के देन, इन्हों दे खाण पीन का बंदोबस्त किया जाए। तो साड़िया मावं वर्गिया ने यह, तो बस यही कहना चाहवागी कि इन्होंने बुजुर्ग लेडीज़ की मदद की जाए जिन्हों बेचारियों का कोई आसरा नहीं है, ये रब के आसरे ने बेचारियाँ। देखो जी रोज़ आते जाते वेखीदा है तो बुजुर्ग ने साड़िया मावं वर्गिया ने, इवन साढ़े मावं तो भी वड्डिया ने, पहला शायद लोगों के घर से काम करके अपना गुजर बसर कर दिया ही, तो हूँ काम ना कर पाने की वजह नाल इन्हों का रहना तो खाना पीना औखा होएगा, क्योंकि समाज सेवी संस्थावां कोई अगे आन जा प्रशासन को माड़ी मोटी इन्हों की सोचनी चाहिए है ता कि इन्हों का थोड़ा जीवन निर्वाह हो सके। इदा रोलन ना जानवर वाण मनुखी जीवन जीना तो हर एक का अधिकार है, तो ये वास्ते सरकारों कुछ तो ग्राउंड लैवल से जो साढ़े सामने उन्होंने वास्ते जरूर करो, क्योंकि इन्ह का जोड़ा जीवन है तुम आप देखा होएगा कि कोई रहन लायक नहीं है। इन्हों कोई खाण पीन का नहीं पता कि सानू दोपहर को खाना मिलना है कि नहीं मिलना, अगर बारिश आ जाए तो पानी कितना बचाना है। सो इन्हों का प्लीज़ कुछ कोई समाज सेवी संस्था हैगी है या सरकार है तो जरूर सोचे। पक्का बन गया पहले कि पक्का हूँ भी इदा का बनया जी, हूँ भी चौंदा ही है, ये पक्का नहीं बनया, सिर्फ उत्ते शैड जी पाई दी है, बारिश वाले पूरा चौंदा वा तो अंदर रहने योग नहीं है। झोपड़ियाँ पहला भी ढाला जहा ही, एडा वधिया नहीं सी रहने वाला।